नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर बड़ी खबर। एक्ट्रेस और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मौत से पहले सोनाली फोगाट ने अपनी मां को फोन किया था। जी हां, परिवार ने ही ये दावा किया है। परिवार को शक है कि सोनाली के खिलाफ कोई साजिश की गई थी। आखिरी बार सोनाली ने अपनी माँ से फोन पर बात की थी और सोनाली ने अपनी माँ से लगभग रात के 11 बजे जो बातचीत हुई थी उसमें कहा था कि खाने में उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई साजिश रच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, जैसे कोई कुछ कर रहा हो। उन्होंने कहा था कि खाना खाने के बाद उन्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है। तो परिवार को साजिश का शक है। आपको बता दें कि शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट का निधन हुआ है, लेकिन परिवार अब बड़ा आरोप लगा रहा है, साजिश की आशंका जता रहा है। वहीं आपको बताएं कि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह पता चलेगी, लेकिन शुरुआती तौर पर जो डॉक्टर्स ने वजह बताई है वो है दिल का दौरा पड़ने से सोनाली की मौत हुई है। तो एक बार फिर आपको बता दें, परिवार ने साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि आखिरी बार जब सोनाली ने अपनी माँ से रात 11 बजे बात की थी तब कहा था कि उन्हें खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसे कोई साजिश रच रहा हो उनके खिलाफ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तमाम इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।